स्पेस का हमने शुरू किया हुआ है। हमने दो बेसिक थ्योरीज पढ़ी थी, अरहीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉरी ब्रॉन्सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एसिड बेस का, कि किस तरह से एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, मतलब एक ने कहा था जी कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। एक ने कहा जी कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो था वो लिविस का कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का, ये भी बड़ा एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था। तो लिविस ने क्या कहा, लिविस ने कहा जी कि एसिड कोई भी ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके, और जाहिर है ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है और बॉन्ड बनाती है तो उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं हम। ठीक है, तो एसिड कोई ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सके और बेस कोई ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सके। ठीक है, अब जो चीज इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है ना उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लाइक करती है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन सी चीज करती है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज करेगी या कोई ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी। तो बेस, बेस कोई ऐसी चीज होती है जो न्यूक्लियोफाइल होती है। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से निकला है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। आपको पता है कि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव। तो कहाँ पे थे जी हम, ये तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो जो चीज न्यूक्लियस को लव करेगी, मतलब ये है कि न्यूक्लियस पे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को कौन लाइक करेगा, पॉजिटिव को वो लाइक करता है, वो चीज लाइक करती है जो या अट्रैक्ट करती है जो खुद नेगेटिव हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो बहरहाल इस थ्योरी, एसिड बेस की थ्योरी का जो इनसार था वो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे था। मिसाल के तौर पर देखें, नीचे अमोनिया है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है प्रोटॉन को बेसिकली, और प्रोटॉन को डोनेट करके अमोनियम आयन बना देता है। ठीक है, ये NH4 पॉजिटिव बनता है, इसका यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लिखते हैं आम तौर पे। तो ये जो है वो बना है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। इसमें ये वाला जो है वो एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले एग्जाम्पल में देखें, दो मालिक्यूल है, एक NH3 है, एक BF3 है। BF3 में जो ना वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती है, वो किस तरह से होती है वो आगे हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल किस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया डोनेट करता है BF3 के बोरॉन को, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में एक कंपाउंड बन जाता है, और ये जो है वो यहाँ पे एसिड है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, और ये वाला जो है ये क्या है, बेस है, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या किया है, डोनेट किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे एसिड बेस रिएक्शन है। एक और बात कि आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो जो प्रोडक्ट बनती है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको भी हम अडक्ट कहते हैं क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसमें भी क्या बना हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो एक अडक्ट होती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और वो अडक्ट कैसे बनता है, जब एक चीज इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है दूसरी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो इसी तरह ये अडक्ट का हो गया कि इसकी जो प्रोडक्ट होती है लिविस एसिड बेस रिएक्शन की वो एक अडक्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखते हैं, ये एक और रिएक्शन है जिसमें एक O2 नेगेटिव, O नेगेटिव है बेसिकली, O2 नेगेटिव है, ऑक्साइड आइन है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है एक SO3 एक मालिक्यूल है उसके साथ, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल है। ठीक है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और ये एक अडक्ट बन गया। तो बेसिकली लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब एक चीज इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है वो बेस होती है, जो लेती है वो एसिड होती है, और उसके लेने और देने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम अडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और इसी तरह से ये जो होती है कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये भी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा हुआ था। कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, जब एक मेटल का आयन या एटम मुख्तलिफ लिगेंड से इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है।
ठीक है, उसमें क्या होता है कि मेटल का एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट करता है कौन से मॉलिक्यूल से, मिसाल के तौर पर H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, ठीक है, और इसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कॉपर है, ये चार अमोनिया के साथ बॉन्ड बना देता है, इस तरह का एक आयन बना देता है, टेट्राअमाइन कॉपर आयरन, टेट्राअमाइन कॉपर आयन सॉरी, ठीक है। तो ये कॉपर आयन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कैसे बना है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर कॉपर को डोनेट किए हैं, कॉपर के पास खाली डी ऑर्बिटल पड़ा होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर देते हैं और कॉपर के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम देखें, एल्युमिनियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं और इसका एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये इस तरह से एल्युमिनियम आयन का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें ये वाली जो है वो बेसिस है, ये वाले क्या है, एसिड है, ठीक है। यहाँ पे ये एसिड कॉपर एसिड है और ये जो चार अमोनिया है ये क्या है, बेस है। तो इन शॉर्ट ये है कि एसिड बेस रिएक्शन क्या है, जब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, तो ऐसा रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेटल आयन की बात हो रही है कि मेटल आयन जो होते हैं वो एलिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। मेटल आयन या सिंपल जो कैटायन होते हैं, मतलब जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मिसाल के तौर पर H पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाता है K पॉजिटिव है, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव है, और उसके अलावा आपके पास कैल्शियम है +2 है, ठीक है, या आपके पास सिल्वर है Ag, ठीक है, 2 पॉजिटिव। जितने भी हैं कैटायन वो सारे के सारे लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो पॉजिटिव जो ना वो लिविस एसिड होते हैं। अब इन कैटायन की स्ट्रेंथ के हवाले से कुछ चीजें हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक होगा, ठीक है। तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ से मुराद क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत, ठीक है ना, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत ज्यादा है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कम है, ठीक है। किस कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस हवाले से अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से हम पता चला सकते हैं, तो किन चीजों पर डिपेंड करती है सलाहियत, नंबर वन तो पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता रहेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए कोशिश बढ़ती जाएगी और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता रहेगा लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ठीक है। मिसाल के तौर पर आयरन का +3 वाला भी होता है, +2 वाला भी होता है, तो जो +3 वाला आयरन का आयन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है +2 वाले के साथ। +2 वाले को फेरस कहते हैं, +3 वाले को फेरिक आयन कहते हैं, ठीक है। तो फेरिक आयन जो होता है वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू फेरस आयन, ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ है ना, तो के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो तो कम वाली के साथ OUS लगाते हैं, ठीक है, और ज्यादा वाली के साथ IC लगाते हैं एक, ठीक है, जैसे फेरस और फेरिक, क्यूपरस और क्यूपरिक होता है, ठीक है, इसी तरह जो ना वो डिफरेंट हो जाती है। एनी हाउ, तो दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और किसी एक पीरियड में, पीरियडिक टेबल के एक पीरियड में, जब आपने ये पढ़ा हुआ है ये चीज कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मिसाल के तौर पर लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, उसके बाद बोरॉन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये एक पीरियड में आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियस की कशिश एंड वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ने से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश है वो ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए सलाहियत जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करें तो लिथियम लेफ्ट पे है और बेरिलियम राइट पे है, तो जो राइट वाला होगा उसकी जो सलाहियत है वो ज्यादा होगी लेफ्ट वाले से पीरियडिक टेबल के एक पीरियड में अगर हम देखें, ठीक है। इसी तरह जो बोरॉन है वो इससे भी राइट में है बी, ठीक है, अगर उसका +3 वाला आयन बनता है तो उसके अंदर जो सलाहियत है वो इससे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह तीसरी चीज आयनिक रेडियस, ये भी साइज से रिलेटेड है, आपको पता है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे आए टॉप टू बॉटम तो साइज जो होता है वो क्या करता है,
इंक्रीज करता है, साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ही तरह के आयंस को देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास लिथियम आयन है, आपके पास सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, आपके पास पोटाशियम आयन है, ठीक है, और आपके पास रुबिडियम आयन है, सबके ऊपर एक एक जैसा चार्ज है। आपने इनमें देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत ज्यादा है, तो वो डिपेंड करेगा कि किसका साइज सबसे छोटा है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हमें पता है ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का साइज छोटा, छोटे वाले का उससे भी बड़ा, उससे छोटे वाले का उससे भी बड़ा, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद पोटाशियम की। तो इट मींस जैसे जैसे जिस जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कम हो जाएगी, मतलब उसका लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिडिटी जो थी वो कम हो जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ कैटायंस के बारे में था कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसकी चंद एग्जांपल्स भी थी, ठीक है। ये समझ आया पॉइंट? यस सर। अच्छा, यस सर। उसके बाद हमारे पास होता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एसिड कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी और एक्सेप्टेंस होगी और अडक्ट बनेगा तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है और उसके नतीजे में एक अडक्ट बनी है, ठीक है। तो ये लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तारीफ है, ठीक है। कि लिविस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या तारीफ बनती है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास चीजें हैं जो लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकती हैं। ये हमने एक जनरल आइडिया तो ले लिया कि लिविस एसिड आमतौर पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब इनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से क्या मुराद है, आपने एक छोटा सा रूल पढ़ा हुआ है, ऑक्टेट रूल, ठीक है, कि हर एक कोशिश होती है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल बोरॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली। अभी अपने साथ 3 क्लोरीन जोड़ता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से आते हैं, ठीक है, और इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ गए, ठीक है। अब 3 क्लोरीन के जुड़ने के बाद इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हुए हैं अभी भी, 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब इसके आउटर मोस्ट में अभी भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि कोई चीज स्टेबल तब होती है, कोई एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो इसके तो कितने हैं, 6 हैं, इसके 6 हैं, तो इट मींस इसमें जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, वो अपनी कमी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो मॉलिक्यूल तो बन गया लेकिन अभी भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जा रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। मिसाल के तौर पर BF3 है, AlCl3 है, दोनों का एक जैसा केस है, दोनों के आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इनके अंदर 2-2 की कमी पाई जाती है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनर से या किसी एनायन से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं और जो ना वो अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनाब ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कहा कि एसिड की पहली टाइप है इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी पाई जाती है, ठीक है। दूसरे है हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है। मॉलिक्यूल है मिसाल के तौर पर सिलिकॉन सेंट्रल एटम है, जर्मेनियम सेंट्रल एटम है, जो ना वो टाइटेनियम जो ना है सेंट्रल एटम है, टिन सेंट्रल एटम है, फास्फोरस है, ठीक है, और सल्फर है, ये सारे सेंट्रल एटम है। इनमें इनके मॉलिक्यूल तो बने हुए हैं लेकिन सेंट्रल एटम का जो डी ऑर्बिटल है ना वो खाली है। मिसाल के तौर पर वो कैसे पता चलेगा, वो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सिलिकॉन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
कि इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके आगे जो 3d है वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस 3d के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना वो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक खाली डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल क्या पड़ा हो, खाली पड़ा हो, वो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो भी लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये टिन क्लोराइड का रिएक्शन दिखाया गया है नीचे, ठीक है, ये इसका, तो टिन क्लोराइड का 2 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एक कम्प्लेक्स में आ देता है 6 क्लोरीन का, ठीक है। तो एनी हाउ ये जो है ना वो एक एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद दो टाइप्स हो गई कि लिविस एसिड कौन से होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे वो होते हैं जिनके पास एक खाली डी ऑर्बिटल पड़ा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कैटाइंस, जितने भी कैटाइंस हैं वो सारे के सारे लिविस एसिड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जाहिर है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो लिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। जितने भी कैटाइन होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और चौथे होते हैं मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्डिंग, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग है, मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मल्टीपल बॉन्ड जो होता है वो दो डिफरेंट एटम के साथ दरमियान होना चाहिए। दो डिफरेंट एटम से मुराद है दो ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर ये CO2 है ना, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी जो ना वो SO2, इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम। तो कोई भी ऐसा मल्टीपल बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल जिसमें जो मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है, जो डबल बॉन्ड बना हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, वो दो ऐसे एटम्स के दरमियान बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, तो उनमें जो ना वो ये लिविस एसिड के तौर पर वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, जब मैंने ये बताया था कि जो हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इनके अंदर कार्बोनिक एसिड बनता है। कैसे, उनके अंदर क्या करते हैं वो प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दाखिल करते हैं और वहां पे पानी ऑलरेडी होता है और उसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बनता है। ये एक कॉमन रिएक्शन है जो बारिश में होता है, तो इसी वजह से बारिश की हमेशा pH जो होती है ना वो 7 से कुछ कम ही होगी, क्यों, जितना मर्जी हवा आपकी साफ हो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से कार्बोनिक एसिड बनेगा। बहरहाल कैसे बनता है कि वाटर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है कार्बन को और ये अपना जो ये वाला बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट कर देता है दोनों, ठीक है, जिसके नतीजे में इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अपना नेगेटिव काम करने के लिए ये वाटर का और वाटर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो वाटर के ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म करने के लिए और इसका नेगेटिव खत्म करने के लिए ये वाला प्रोटॉन जो है वो इधर शिफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा इसको ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाता है कार्बोनिक एसिड का, जिसको हम H2CO3 कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है किससे, पानी से, इस वजह से हम इसको जो ना वो एसिड कहते हैं और ये वाटर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वो भी लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए शर्त है कि वो जो मल्टीपल बॉन्ड है वो दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के दरमियान बनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और सल्फर, इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मतलब आखिरी शेल में 6 हैं, 2 की कमी है, तो ये 2 की कमी पूरी करते हैं किस तरह से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लिविस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी एलिमेंट्स जिनका आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सल्फाइट आयन है एक SO3 2-, इसने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और उसके नतीजे में ये SO4 आयन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये एक लिविस एसिड बेस्ड रिएक्शन है। तो ये कुछ टाइप्स हैं उन चीजों की जो लिविस एसिड के तौर पे काम कर सकती हैं। नंबर 1 लिविस एसिड के तौर पे जो काम कर सकती हैं उनमें
नंबर वन है जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है वो लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं, के टाइम्स लेविस एसिड होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हो वो भी लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। और नंबर आखिर पे वो ऐसे एलिमेंट ऐसे एटम जिनके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या फ्लोरीन लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकता है? इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और ये बताएं कि क्या ये लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकता है? सर जी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए फ्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो जबकि लेविस एसिड ये कहता है कि जबकि लेविस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एसिड है उसके वो बेस उसको देगी इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो एक्सेप्ट करेगा। पेयर जब एक्सेप्ट होगा तो फिर हम उसको एसिड कहेंगे, शाबाश। तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन करेगा तो फिर हम उसको लेविस एसिड नहीं कहेंगे, ठीक है ना? तो इसी वजह से हमने ऑक्सीजन को डिस्कस कहा है जिसका दो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं, एक वाले को हम लेविस एसिड नहीं कह सकते। अच्छा जी, उसके बाद वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं? तो नंबर वन इनमें आ जाते हैं सारे के सारे एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो लेविस एसिड के तौर बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, अमाइड आयन है, ये सारे के सारे आयन के तौर पे काम कर सकते हैं। और इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ से मुराद है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत, वो बढ़ती है जब हम चार्ज बढ़ाते हैं। जिसके ऊपर 2 नेगेटिव है वो ज्यादा बेसिक है, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव है वो कम बेसिक है। इस तरह से चार्ज बढ़ने से जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी चीज जो चीज लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं, ऐसी चीजें जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है? मसलन वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो होता है ना वो लोन पेयर कार्बन के पास भी होता है और ऑक्सीजन के पास भी होता है, ठीक है? इसी तरह से ये जो 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे, इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन एनओ है इसमें भी नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, ठीक है? और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है, ठीक है? तो इस तरह से वो तमाम चीजें जिनके पास लोन पेयर होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन के पास होता है, 1 कार्बन के पास, और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन के पास होता है, 1 नाइट्रोजन के पास नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो होती हैं वो लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। और आखिर में ऐसे मतलब अल्कीन्स वगैरह जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है वो भी लोन पेयर लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं, क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब ये किसी भी पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है। आपको पता है कि अल्कीन जो है ना वो बड़े रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इनका ये जो ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास अगर अल्कीन है और उसका आपने उसको इंट्रैक्शन करवाया है सिल्वर के साथ, ठीक है, तो उस इंट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा सिल्वर के साथ। मतलब किस तरह से शिफ्ट होगा कि ये जो दोनों कार्बन है इनके इनका एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, वो एक एक इलेक्ट्रॉन ये सिल्वर को करके उसके साथ बॉन्ड बना के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसके नतीजे में कुछ इस तरह का हमारे पास एक इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है, साइक्लिक कंपाउंड सा बन जाता है, ठीक है? तो ये भी लेविस बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये सारी टाइप्स हैं लेविस एसिड्स की और लेविस बेसिस की, ठीक है? अच्छा इसमें ना आगे एक चीज मुझे भूल गई थी, वो मैंने अब मुझे याद है, मैंने ऐड नहीं की इसकी लिमिटेशंस, ठीक है? तो वो मैं वैसे डिस्कस कर देता हूँ, बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? या आप उसको बुक से ही कर लीजिएगा एज सच, ठीक है? वो पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो इसका इसकी जो लिमिटेशंस हैं लेविस की, लेविस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस, तो
तो इसमें सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन है वो तो ये है, नंबर वन के एस्टर बेस स्ट्रेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, नो इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टर बेस स्ट्रेंथ, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है। एक जनरल जो आइडिया होता है ना, मिसाल के तौर पर HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या H2SO4 ज्यादा, उसके बारे में इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। नंबर टू के ये जो थ्योरी है ये साल्ट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, साल्ट क्या होता है, साल्ट को नहीं डिफाइन करती, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा हुआ है जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अब इस थ्योरी के नजदीक साल्ट की क्या डेफिनेशन है वो हमें नाउन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर HCl और NaOH का रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है, NaOH, तो हमें पता है जी इसमें H2O बनेगा प्लस NaCl बनेगा, तो एक साल्ट बना, एक क्या बना, वाटर बना। लेकिन लिविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास अडक्ट बनता है, ठीक है, NH3 और BF3, ठीक है। तो ये अडक्ट साल्ट है क्या है इसके बारे में इस थ्योरी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, साल्ट के बारे में ये हमें कोई मालूमात या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती ये वाली थ्योरी, ठीक है। और ये दो इसके लिमिटेशन पड़े कि साल्ट फॉर्मेशन, मतलब नंबर वन अगर हम बात करें तो ये हमें एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में कोई नहीं बताती, एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में, और नंबर टू साल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है। नंबर थ्री ये है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ना, नॉर्मल जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, नॉर्मल एसिड बेस जो रिएक्शन है वो फास्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्शन फास्ट हैं। लेकिन ये जो अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एक्सेप्टर की बात करें तो ये रिएक्शन स्लो होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि एसिड अगर ये भी एसिड बेस रिएक्शन है तो इनको भी फास्ट होना चाहिए, लेकिन ये फास्ट नहीं होते, इसकी कोई वजाहत इस थ्योरी में हमें नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह से ये जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम कह देते हैं कि भाई सिंपल जो कोई भी कम्प्लेक्स बनता है, मिसाल के तौर पर कॉपर है Cu2+, ठीक है, उसका अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, 6 अमोनिया के साथ उसका क्या बनता है, कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। हम कह तो देते हैं कि ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इतने सिंपल है नहीं जितने नजर आते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इनको सिंपल एसिड बेस रिएक्शन कहकर हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये इस थ्योरी की क्या है लिमिटेशन, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि ये भी क्या है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इस थ्योरी के 2-4 जो बड़े लिमिटेशन थे, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, वो ये है कि नंबर वन कि ये एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और क्या क्या वजूहत हैं। नंबर टू ये साल्ट के फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि साल्ट जो है बनने का अमल जो है वो एसिड बेस प्रोसेस है या नहीं है। नंबर थ्री के ये नॉर्मल जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ये फास्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर की बात करें तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पेयर एक्सेप्ट करता है, दूसरा डोनेट करता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से कॉपर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं, ये इस थ्योरी कहती है कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, हालांकि वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, वो बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एक अलग तरह से जो ना वो एक रिएक्शन की टाइप है। तो ये थी लिविस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और ये उसकी सारी जो थी वो क्या थी, लिमिटेशंस वगैरह थी। अच्छा जी, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लक्स फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस का, ठीक है। बेसिकली वही है कि हमारे सिलेबस में फिर एक जनरल लाइन लिखी हुई है कि थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ऑफ एसिड फेस की जितनी थ्योरीज हैं, अब वो आमतौर पर जनरली 3 थ्योरीज जो बड़ी हैं वो हम पढ़ते हैं, एक और सॉफ्ट एंड हार्ड वाली है आगे रहती है हमारी, शार्प प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं, यहाँ साफ प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो बहरहाल ये छोटी छोटी भी 2-3 है, 1-2 हैं, तो वो भी हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाता है या MCQ की फॉर्म में तो हम उसको सॉल्व कर सकें।
ठीक है। तो लक्स फ्लूइड का कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड होता है ऑक्साइडाइन एक्सेप्टर होता है, जो ऑक्साइडाइन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो ऑक्साइडाइन डोनर होता है वो बेस होता है। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक आइडिया था कि हर वो चीज जो ऑक्साइडाइन को एक्सेप्ट करती है वो एसिड होती है, और जो डोनेट करती है वो बेस होती है। मिसाल के तौर पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है और CO2, ठीक है, और MgO जो होती है वो ऑक्साइडाइन डोनेट कर रही है और CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, तो MgCO3 बन रहा है। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम सिलिकेट एक हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। तो सिंपल इस थ्योरी ने जो जो ना वो डिस्क्राइब किया एसिड बेस रिएक्शन को, वो ऑक्साइड आयन के फॉर्म में किया कि हर वो चीज जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकती है वो एसिड होती है, जो ऑक्साइड आयन को डोनेट कर सकती है वो क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, और एम्फोटेरिक आपको पता है कोई ऐसी चीज होती है जो एसिड के तौर पे भी काम कर सके और बेस के तौर पे भी, मसलन जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट भी कर सके और डोनेट भी कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। मिसाल के तौर पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड एक ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करके ये एक एनायन बनाता है जिंक डाइऑक्साइड का। ठीक है, और इसी तरह ये ऑक्साइड आयन डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, और जिंक आयन कैटायन बनाता है और ऑक्साइड एनायन बनाता है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है लक्स फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है, ये एसिड बेस रिएक्शन को डिस्क्राइब करती है ऑन द बेस ऑफ ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एंड ऑक्साइड आयन डोनर, और इसके मुताबिक एम्फोटेरिक की डेफिनेशन है। और इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादा कॉमन है और मशहूर भी है, यूजेनोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये एक रशियन साइंटिस्ट था यूजेनोविच, मिखाइल यूजेनोविच इसका नाम है, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो रशियन साइंटिस्ट है मिखाइल यूजेनोविच, ठीक है, उसने एसिड बेस का हमें एक कॉन्सेप्ट दिया। उसने बेसिकली क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट जितने अभी तक हमने पढ़े हैं ना, उन सबको एक जगह पे कंबाइन करके एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई ये एसिड और बेस। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि एसिड कोई भी ऐसी चीज होती है कि जो क्या कर सके, जो एनायन के साथ जुड़ सके। ठीक है, एनायन के साथ मतलब कोई नेगेटिव के साथ जो बॉन्ड बना सके, जाहिर है नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है जो पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो नहीं बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली एसिड कोई भी ऐसी चीज है जो एनायन के साथ बॉन्ड बना सके, या किसके साथ बॉन्ड बना सके, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब यहाँ पे मुराद है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सके, उसको भी हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ये कि वो केटाइन दे सके, मतलब एसिड या तो खुद केटाइन होता है, ठीक है, और एनायन के साथ बॉन्ड बनाता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या वो केटाइन देता है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं एसिड कहते हैं। मतलब एसिड या तो केटाइन होता है या केटाइन देता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और जाहिर है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो जिससे वो एक्सेप्ट करेगा उसके ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो उसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने वाले। आपको पता है ऑक्सीडेशन से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, और रिडक्शन से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उसकी अपनी रिडक्शन हुई है, दूसरे की वो करवाता है ऑक्सीडेशन, तो उसको हम ऑक्सीडेंट करवाते हैं कहते हैं। इसी तरह से उसने कहा कि बेस एक कोई भी ऐसी चीज है जो कि एनायन दे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले एनायन दे सके, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, या वो केटाइन के साथ जुड़ सके, और केटाइन के साथ वो जुड़ेगा जो खुद क्या होगा, एनायन होगा। तो बेसिकली हम कहते हैं बेस या तो खुद एनायन होता है, या वो एनायन देता है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाली कोई स्पीशीज देता है, या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है, तो और रिडक्टेंट होता है। रिडक्टेंट मीन जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, जिसको वो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी रिडक्शन होगी, तो इसको हम कहेंगे ये रिडक्टेंट है, इसने उसकी क्या करवा दी है, रिडक्शन करवा दी। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठे कर लिया। मिसाल के तौर पर पहले देखिए अमोनिया और वाटर का रिएक्शन है, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, वाटर ने प्रोटॉन दिया है, ठीक है, वाटर ने जो है वो क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है। तो वाटर जो ना वो केटाइन डोनर है, तो केटाइन डोनर इस जो ना वो डेफिनेशन के मुताबिक केटाइन डोनर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अमोनिया जो है उसने क्या किया है, उसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है, किसको, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है इस प्रोटॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनेट करने की वजह से ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देखें, कॉपर टू पॉजिटिव, ये खुद क्या है, एक केटाइन है, और जो भी केटाइन होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और इसके साथ कंबाइन हो रहा है अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इस केटाइन को डोनेट करते हैं, उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाता है और कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो ये एक
एसिड हो गया और अमोनिया यहाँ पे क्या हो गया, एक बेस हो गया, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल आ गई। इसके बाद देखिए जरा Na2O plus SO3। अब इसमें क्या हुआ है कि जो Na2O है उसने एक O2 नेगेटिव दिया है, मतलब एनाइन दिया है, और आपको पता है जो एनाइन डोनर होता है, एनाइन डोनर जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसने एनाइन दिया किसको, SO3 को। तो जिसने एनाइन एक्सेप्ट किया है या एनाइन के साथ बॉन्डिंग की है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी एग्जांपल के ये एसिड, मतलब ये वाला बेस और ये एसिड। इसी तरह यहाँ पे देखिए अमोनियम सल्फाइड में देखें और साथ में एंटीमनी सल्फाइड है, तो जिसमें सल्फाइड है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो अमोनियम सल्फाइड है ये S2 नेगेटिव दे रहा है, वैसे ऊपर वाले जैसा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बेस है और ये वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है ये क्या है, एसिड है। इसी तरह लास्ट में देखें 2Na plus Cl2, 2Na positive plus 2Cl negative, इसमें क्या हुआ है कि जो 2Na है उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस इसने दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जो ना वो क्या करता है, देता है दूसरे को, रिड्यूस करता है, ठीक है, वो बेस होता है, और ये क्लोराइड है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये क्या है, एसिड है। तो इस तरह से इजानोविच ने इन सारी चीजों को एसिड और बेस के तौर पे डिस्क्राइब कर दिया कि एसिड ऐसी चीज है जो खुद केटाइन हो या किसी केटाइन या केटाइन डोनेट कर सकता हो या इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो, ठीक है। बेस खुद एनाइन होता है या एनाइन देता है या किसी इलेक्ट्रॉन का पेयर जो ना वो क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था इजानोविच का, तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, लेविस का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा जो ना वो उसका इसका ये हमने यूजानोविच का पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा था लक्स लुट का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये एसिड बेस की बुनियादी थ्योरीज हैं। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस थ्योरीज, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे।